क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में इस साल फूलों की माला के दाम दुगुने बताए जा रहे हैं। एक तरफ तो यह तय है कि आने वाले विभिन्न त्योहारों के दौरान फूलों की मांग बढ़ेगी, जैसे वर्तमान में गणेश उत्सव के दौरान ही मालाओं की भारी मांग है। इस बढ़ती मांग के कारण फूल मालाओं की कीमत आसमान छू गई। स्थानीय फूल माला दुकानदारों ने महसूस किया कि त्योहार सीजन के दौरान ये बढ़ी हुई कीमतें जारी रहेंगी। त्योहार के मौके पर फूलों की कीमतों में श्रावण पर्व की तुलना में 40 से 8% तक का इजाफा हुआ। इसमें मोगरा, गेंदा, सेवंती, गुलाब, अष्टर फूल, निशिगंधा, विली जैसे विभिन्न फूल शामिल है। 8 से 10 फूलों से बनी एक माला की कीमत फिलहाल 50 रुपए से शुरू हो गई। गणराय की पूजा के लिए प्रतिदिन 10 दिनों तक माला की आवश्यकता होती है, इसलिए फूल हार माला कीमतों में वृद्धि हुई। पिछले 2 साल में कोरोना का संकट था, तब माला फूल की मांग नहीं थी। इस साल तमाम पाबंदियों में ढील दिए जाने के साथ ही बाजार में भी दुकानों की भरमार है। बाजार में गेंदा, सेवंती, गुलाब, अष्टटार फूल के दाम बढ़ने से नागरिकों की जेब ढीली हो रही है। 120 रुपए किलो सेवंती, 280 रुपए किलो अष्टार फूल, 400 रुपए किलो गुलाब, 300 रुपए किलो निशिगंधा, 500 रुपए किलो विली, 100 रुपए किलो बिक रही है। तो दुकानदार को इस मूल्य वृद्धि के साथ ग्राहकों की मांग के बारे में सोच में आ गया। मागच्या वर्षी प्रमाणे या वर्षी फुलाच्या किमती जास्त वाढल्या आहेत आणि फुलाची मागणी पण मार्केटला जास्त प्रमाणात आहे आणि मार्केट मध्ये फूल कमी प्रमाणात येऊन राहिले आणि महागाई खूप आहे आणि शेतकरी पावसामुळे फूल खराब होऊन राहिलं, झाडं खराब होण्याकारणानं फूल महाग येऊन राहिलं मार्केटमध्ये आणि त्याच कारणामुळे आम्हाला माल पण कमी भेटून राहिला आणि महाग जास्त मिळून राहिला आणि सर्व ग्रास्त आहे। NBCN न्यूज के लिए खापरखेड़ा से कैमरामैन सुशील सहारे के साथ दिलीप गजभिये की रिपोर्ट।